नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो आज 24 वर्ष का हो गया उत्तराखंड। राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल गोनों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भराड़ी सैंड पहुंचे, जहां विधायक अनिल नौटियाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गैरसैंण के विधान परिषद भराड़ी सैंड में राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया और उत्तराखंड आज अपना 24वां बर्थडे यानी जन्मदिन मना रहा। तो उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का 24वां जन्मदिन मना रहा है और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया था और सीएम धामी भराड़ी सैंड कार्यक्रम में पहुंचे और शामिल हुए, जहां पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और राज्य स्थापना दिवस अपना मना रहा है उत्तराखंड आज। तो 24वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और आपको बता दें कि 9 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया था उत्तराखंड और 2007 में पहले उत्तराखंड जब बना था तो इसका जो नाम रखा गया था वो उत्तरांचल था, लेकिन 2007 में उत्तरांचल से फिर ये उत्तराखंड बना। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कचहरी देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जिस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड राज्य जयंती वर्ष में प्रवेश कर गया है। हमारे राज्य आंदोलनकारियों द्वारा राज्य निर्माण के लिए किए गए संघर्षों के बाद ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी इस अवसर पर स्मरण किया, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की नींव रखी। राज्य स्थापना के 24 साल पूरे हो रहे हैं, हम 25वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आज जो इस राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अपने सभी राज्य के बलिदानियों को, हमारे अमर बलिदानी जिन्होंने राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, देश की सीमाओं पर हमारे राज्य से अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी उन आत्माओं को भी मैं नमन करता हूं। और इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो 25वें साल में हम सब उत्तराखंडवासी ये संकल्प लेते हैं कि हम इसको साकार करेंगे, धरातल पर उतारेंगे, हर क्षेत्र में उत्तराखंड अग्रणी होगा, एक आदर्श राज्य बनेगा और एक अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आकर। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय केंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभय, आज 24वां जन्मदिन मना रहा है उत्तराखंड, क्या कुछ तैयारी की गई है और क्या कुछ आपको माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए, उत्तराखंड में माहौल राज्य स्थापना दिवस के लिए पूरा उत्साहपूर्ण है, लेकिन जो पिछले दिनों अल्मोड़ा में जो घटना घटी थी, भीषण सड़क दुर्घटना यहाँ पर हुई थी, उस दुर्घटना में जो लोग मारे गए थे उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए ये कह सकते हैं कि सादगी के साथ इस राज्य स्थापना दिवस को मनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें उत्तराखंड पुलिस के जवानों के द्वारा विभिन्न कर्तव्य यहाँ पर दिखाए गए, अपने उस कौशल को दिखाने का काम यहाँ पर किया गया कि किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है और अगर सुरक्षा की बात आती है तो पुलिस किस प्रकार से चौकन्नी यहाँ पर रह सकती है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पांच ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य यहाँ पर किए हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में माता मंगला देवी को यहाँ पर उत्तराखंड गौरव सम्मान देने का काम यहाँ पर किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने के लिए डॉक्टर महेश गुड़ियाल जो न्यूरोसर्जन है उनको यहाँ पर उत्तराखंड सम्मान देने का काम यहाँ पर किया गया।
जो लोग गायक हैं जागर सम्राट जिनको जाना जाता है प्रीतम भरतवांग उनको यहाँ उत्तराखंड सम्मान देने का काम यहाँ पर किया गया। और फिल्म जो अभिनेता है हेमंत पांडे जो विभिन्न रूपों में टीवी पर और टीवी सीरियल्स पर और फिल्मों में यहाँ पर आते रहते हैं उनको यहाँ पर उत्तराखंड सम्मान देने का काम सरकार की तरफ से किया गया। इस दौरान पुलिस के कई ऐसे जवान और कर्मचारी अधिकारी थे जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य यहाँ पर किया, जिन्हें पुलिस पदक और राष्ट्रपति पदक से नवाजने का काम यहाँ पर किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुंडी सभी ने उत्तराखंड राज्यवासियों को आज राज्य स्थापना दिवस की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देने का काम यहाँ पर किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रिकॉर्डेड मैसेज भी यहाँ पर प्रसारित किया गया जिसमें उन्होंने उत्तराखंड राज्यवासियों को शुभकामनाएं देने का काम यहाँ पर किया और कहा कि जो 21वीं सदी का जो तीसरा दशक उत्तराखंड का होना चाहिए उस दिशा में उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से 9 अंक को विशेष रूप मानने का काम यहाँ पर किया गया क्योंकि पूरे देश में 9 देवियों की पूजा होती है और उत्तराखंड राज्य का जन्म भी 9 नवंबर को यहाँ पर हुआ, तो ऐसे में 9 बड़े आग्रह उनकी तरफ से यहाँ पर किए गए, 5 आग्रह राज्य के लिए और 4 सैलानियों 10 पर्यटकों के लिए जो उत्तराखंड आना चाहते हैं उनके लिए आग्रह यहाँ पर किए गए ताकि उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो सके और उत्तराखंड राज्य से देश के दूसरे राज्य भी प्रेरणा ले सके कि किस प्रकार से सीमित संसाधनों में बेहतर काम यहाँ पर किया जा सकता है, विकास की योजनाओं से राज्य को लाभान्वित किया जा सकता है। उन सब चीजों का किया गया। अब आज उत्तराखंड को 24 साल हो गया, 25वें वर्ष में प्रवेश कर गया उत्तराखंड, यानी कि बाल्यावस्था से युवावस्था में आ चुका। सवाल ये कि इन 24 सालों में उत्तराखंड ने अपने आप को कितना बदला, मतलब जो लड़ाई जल जंगल और जमीन की लड़ाई थी जिस जो स्वाभिमान कहा जाता है उत्तराखंड का, अब वो आज कहां खड़ा है और कितना बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त उत्तराखंड में इन 24 सालों में। देखिए उत्तराखंड के इस 24 साल के इतिहास को देखें, 24 साल के अगर हम इस जर्नी को देखते हैं तो उत्तराखंड ने बहुत कुछ पाने का काम यहाँ पर किया है लेकिन बहुत कुछ ऐसे सपने अब भी अधूरे हैं जो राज्यवासियों के लिए तब के सपने थे जब राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई थी, यानी 60-70 के दशक में जब पृथक राज्य की मांग उठने लगी थी तब से लेकर राज्य बनने तक जो लड़ाई लड़ी गई जो आंदोलन यहाँ पर लड़े गए उन आंदोलन में जो राज्य आंदोलनकारियों ने जो सपने यहाँ पर देखे थे उन सपनों में अभी भी उन सपनों का पूरा होना अभी भी बाकी यहाँ पर कहा जा सकता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। पहाड़ की जो स्थिति है उस पहाड़ की स्थिति को बदलने की आवश्यकता अब भी यहाँ पर कही जा सकती है। विकास तो हुआ है, विकास से कोई ये कह सकता है कि पूरा राज्य छूटा नहीं रहा है, पूरा राज्य और विकास के कार्यों से लाभान्वित रहा है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, जीपी का जो सूचकांक है उस सूचकांक में उत्तराखंड राज्य देश के राज्यों में सर्वोपरि यहाँ पर आया है। इसके अलावा आपके जीडीपी में जो दर यहाँ पर हुई है उसमें भी उत्तराखंड राज्य बढ़ा है, स्टार्टअप की श्रेणी में अचीवर्स और लीडर्स की श्रेणी में यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आया, तो ऐसे कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य ने मुकाम तो हासिल करे है, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन लक्ष्यों की प्राप्ति तक भी उत्तराखंड राज्य बढ़ा है लेकिन अब भी कुछ ऐसे सवाल है, ऐसी कुछ चीजें होना बाकी है जिससे ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य अपने उन सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ा। सबसे बड़ा सवाल उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का है क्योंकि इन्हीं स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की लड़ाई उस समय भी लड़ी गई थी पर आज भी उस बेहतर सुविधाओं को और अच्छा बनाने का काम यहाँ पर करने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में और खासतौर पर पहाड़ के जो युवा हैं उन युवाओं को रोजगार देने की दिशा में सरकार को और कार्य करने की आवश्यकता है। अभी ये कह सकते हैं कि वर्तमान में उत्तराखंड के लिए ये गौरव का क्षण इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उत्तराखंड रोजगार देने की श्रेणी में उत्तराखंड देश के टॉप राज्यों में यहाँ पर शुमार हुआ है लेकिन अभी भी राज्य का युवा जिस तरीके से पलायन कर रहा है, पलायन का दंश जो उत्तराखंड राज्यवासी झेल रहे उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है और सरकार ने यही कहा कि 2025 तक के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन लक्ष्यों की प्राप्ति तक रुकना किसी को नहीं है, सभी लोगों को उस पर लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग यहाँ पर देना होगा। सरकार का प्रयास भी यही है कि मिलकर आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड राज्य में जो संकल्प विकल्प का जो सरकार अपना सपना देख रही है उस सपने को पूरा करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी अबे अगर हम उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड जब से उत्तराखंड अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर संघर्ष करता हुआ रहा, कई लोगों ने शहादत दी उत्तराखंड को बनाने के लिए और उत्तराखंड एक अलग ही भौगोलिक रूप से देखा जाए, राजनीतिक रूप से देखा जाए और भी कई तरीके से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की अलग एक छवि रही है, अलग एक पहचान रही है। सवाल यह है कि वो छवि वो पहचान आज भी उत्तराखंड जिस सपने को साकार करने के लिए उत्तराखंड इस देश के मानचित्र पर 27वें राज्य के
के रूप में आया, वो आज वो संभाले हुए हैं या कहीं ना कहीं वो पद से भटका बीच में, कहीं अंतराल के बीच में? देखिए, उत्तराखंड राज्य की लड़ाई सिर्फ तीन चीजों को लेकर लड़ी गई थी, जिसमें सबसे बड़ा ये कहा जा सकता है कि राज्य में जो पलायन का जो दंश था, उस दंश को खत्म करना चाहते थे। पलायन के लिए सरकारों को काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी पलायन रुका नहीं है। उत्तराखंड के कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो वीरान हो चुके हैं, ये आबाद हो चुके, उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। जी ठीक है, अभय बहुत बहुत धन्यवाद, और आप थोड़ा पानी वानी पीजिए और अपना ख्याल रखिए। रुक करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड राज्य के 24 साल पूरा होने पर राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड में अलग अलग क्षेत्र के विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड गौरव सम्मान का ऐलान किया। इस साल देश के चीफ डिफेंस स्टाफ और उत्तराखंड के बेटे अनिल चौहान को समाज सेवा के लिए माता मंगला देवी, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर महेश कुड़ियाल, कला और अभिनय के क्षेत्र में हेमंत पांडे, पारंपरिक लोकगीत और संस्कृति के क्षेत्र में प्रीतम भरतवाड़ को सम्मानित किया। इस अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना का सपना साकार हुआ। यह हम सभी के लिए हर्ष की बात है कि स्वर्गीय अटल जी द्वारा पुष्पित और पल्लवित हमारा उत्तराखंड आज प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से सभी क्षेत्रों में हमारे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर आज तेजी से मजबूत हो रहा है। आज शहर से लेकर सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखंड के निवासियों को, भाई बहनों को उत्तराखंड राज्य स्थापना की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत मंगलमय हो। आज हमारा राज्य को दिन छ और आज का दिन हमारा राज्य की स्थापना हुए थे। पूर्व प्रदेश खुशहाल रहो और तरक्की करो, सबका घर माँ माँ भगवती जगदम्बा भगवान बद्री विशाल की कृपा बनी रहो और उत्तराखंड देश को सर्वोच्च राज्य बनो। तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को संबोधित किया। 24 सालों में राज्य की कई उपलब्धियों को सराहा प्रधानमंत्री ने और यह कहा कि लोगों को विकास में सारथी बनना चाहिए, इसका भी संदेश दिया। और क्या कुछ कहा वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनी। स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है, ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृतकाल में है, यानी विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तराखंड देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ
पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और ये महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी दो दिन पहले ही प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का भी सफल आयोजन हुआ है। मुझे विश्वास है हमारे प्रवासी उत्तराखंडवासी राज्य की विकास यात्रा में ऐसे ही बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे। साथियों, उत्तराखंड के लोगों को अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक अलग राज्य के लिए प्रयास करना पड़ा था। ये प्रयास तब पूरे हुए जब केंद्र में श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। मुझे खुशी है कि जिस सपने के साथ उत्तराखंड का गठन हुआ था वो हम सब साकार होते देख रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड ने हम सभी को, भाजपा को हमेशा खूब सारा प्यार दिया है, अपनत्व दिया है। भाजपा भी देवभूमि की सेवा की भावना से उत्तराखंड के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। साथियों, कुछ दिन पहले ही केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। कुछ साल पहले बाबा केदार के दर्शन के बाद उनके चरणों में बैठकर मैंने बड़े विश्वास से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने मोहन आश्रम में पहुंचकर आश्रम के महंत मोहनदास की 105वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इसके साथ ही आज गोपाष्टमी के पर्व पर नायब सिंह सैनी ने गौ पूजन किया। इस अवसर पर नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी और ये कहा कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। और उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के हर नागरिक तक सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रही है, जिससे उत्तराखंड लगातार विकास कर रहा है। तो वहीं बटोगे तो कटोगे के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश की जिम्मेदारी समझें। उन्होंने कहा कि हम जब जब भी बटे हैं तब तब हम कटे हैं, इसलिए हमें देश की एकता और अखंडता के लिए सचेत होने की आवश्यकता है। आज मुझे यहाँ आश्रम में आने का सौभाग्य मिला है। मैं सभी को स्वामी मोहनदास जी महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और लगातार जिस प्रकार से यहाँ के हमारे प्रिय मित्र और यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास को लेकर के डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को तेज गति से विकास में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो गरीबों तक, आम व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से उनके घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ देवभूमि
मैं इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।